हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल इंस्ट्रूमेंट कंपनी में काम करके पिछले 2 सालों से मैं अपना इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं और इस मिशन पर निकला हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं, उनको मैं प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझा सकूं। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि डाटा शीट को कैसे रीड करते हैं, ताकि हम एक सही इंस्ट्रूमेंट को सिलेक्ट कर सकें। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया शुरू में, तो अगर जनरल की बात करें तो जनरल में सबसे पहले उसमें टैग नंबर क्या है, किस सर्विस के लिए है, किस लोकेशन पे लग रहा है, उसका P&ID नंबर क्या है, उसके बाद लाइन नंबर जैसे मैंने बताया वो असाइन किया जाता है, फिर उसके बाद एरिया क्लासिफिकेशन क्या है, किस जगह पर ये इंस्ट्रूमेंट लग रहा है, ये नॉर्मल एप्लीकेशन है, प्रेशर गेज इसमें उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जहां पर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं वहां पर एरिया क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं वो नॉर्मल वेदर प्रूफ एनवायरनमेंट है या कहीं एक्सप्लोजन प्रूफ एरिया है या फ्लेम प्रूफ एरिया है, उस हिसाब से उसको एरिया को क्लासिफाई किया जाता है। दूसरा आ जाता है कि प्रोसेस कंडीशंस जो बहुत इम्पॉर्टेंट रहती हैं, जैसे फ्लूड है कि उसमें प्रोसेस फ्लूड क्या है, प्रोसेस फ्लूड के हिसाब से MOC हम अगर कस्टमर ने नहीं दिया है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि आपने जो मटेरियल सिलेक्ट किया है वो आपके प्रोसेस फ्लूड के हिसाब से सूटेबल नहीं है। दूसरा आ जाता है ऑपरेटिंग टेम्परेचर और डिज़ाइन टेम्परेचर। अभी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर के लिए सूटेबल रहते हैं। कुछ जो हमारे जैसे प्रेशर गेज है, नॉर्मली ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए रिकमेंड किया जाता है, बोला जाता है कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इसको यूज़ करिए, और उसके ऊपर हम गेज को सेव करने के लिए कुछ मेज़र्स लेते हैं, तो ये टेम्परेचर की वजह से हम वो मेज़र्स डिसाइड कर पाते हैं। अगर हमारा टेम्परेचर गेज सिलेक्ट करना है तो इसके बेसिस पे हम टेम्परेचर गेज की रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली ऑपरेटिंग प्रेशर और डिज़ाइन प्रेशर है, क्योंकि ये प्रेशर गेज की डाटा शीट है इसलिए मैं इसमें ऑपरेटिंग प्रेशर और डिज़ाइन प्रेशर पर ज़्यादा स्ट्रेस दूंगा। ऑपरेटिंग प्रेशर इसमें दिखा हुआ है 0.1 से लेके 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हमारा डिज़ाइन प्रेशर है वो 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर दिखाया हुआ है। अभी कुछ भी अगर हम रेंज लेते हैं ऑपरेटिंग के हिसाब से, कि ऑपरेटिंग हमारा 30-70% ऑफ दिस स्पैन में, जैसा कि मैंने अपने रेंज सिलेक्शन के वीडियो में बताया था, यूज़ करते हैं, तो हम डिज़ाइन उसके साथ में कवर कर ही नहीं सकते। कोई ऐसी रेंज नहीं है जिसमें ऑपरेटिंग भी कवर हो जाए और डिज़ाइन भी कवर हो जाए। तो इसमें अगर हम नीचे देखेंगे तो कस्टमर ने यहाँ पर अगर पॉइंट नंबर 40 देखते हैं तो गेज सेवर उसने लिखा हुआ यस, और उसका मटेरियल दे रखा है। ऐसे ही अगर हम ऊपर टेम्परेचर की बात करते हैं तो टेम्परेचर उसने 290 डिग्री सी और 550 डिग्री सी लिखा हुआ है। इतना हायर टेम्परेचर है तो हम इसमें साइफन सिलेक्ट करेंगे, जैसा मैंने अपना साइफन के जो एसेसरी का वीडियो है उसमें जब मैंने साइफन कवर किया था तो उसमें मैंने बताया था कि हायर टेम्परेचर के लिए साइफन हम यूज़ करते हैं, तो ये यहाँ पर साइफन का यूज़ करना पड़ेगा हमें अपने गेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हायर टेम्परेचर से। अभी हम आ जाते हैं थर्ड जो हमारा गेज की स्पेसिफिकेशन के बारे में है। सबसे पहले इसमें अगर आप देखोगे सीरियल नंबर 10 पे तो उसने मेजरिंग एलिमेंट लिखा हुआ और टाइप लिखा हुआ है। मेजरिंग एलिमेंट बोर्डन टाइप लिखा हुआ है और टाइप में डायरेक्ट रीडिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि जब भी हमें ये जो प्रेशर गेज जो कस्टमर मांग रहा है वो बोर्डन टाइप का प्रेशर गेज मांग रहा है और वो डायरेक्टली पाइपलाइन पर इसको माउंट करना चाहता है। फिर उसके बाद आ जाता है मेजरिंग एलिमेंट मटेरियल।
अगर हम मेजरिंग एलिमेंट मटेरियल की बात करें तो यहाँ पर SS316L मटेरियल दिया हुआ है, जो एक स्टैंडर्ड मटेरियल है। नॉर्मली जैसे मैंने अपने प्रेशर गेज के बोर्डन सेंसिंग प्रेशर गेज के वीडियो में बताया था कि जो स्टैंडर्ड बोर्डन मटेरियल्स हैं वो SS316, SS316L, SS316TI यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा गेज का कनेक्शन का साइज़ क्या है और लोकेशन क्या है। गेज के कनेक्शन में इन्होंने हाफ इंच NPT मेल लिखा हुआ है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक स्टैंडर्ड कनेक्शंस में आता है कि हाफ इंच का कनेक्शन है, उसमें NPT चाहिए या BSP चाहिए, जो कस्टमर को चाहिए वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर लोकेशन में एंट्री आ रखा है, उसमें बॉटम एंट्री लिखा हुआ उन्होंने, तो इसका मतलब है कि जो हमारा गेज है उसकी जो एंट्री है वो बॉटम साइड से है, और वो डायरेक्ट रीडिंग में अगर लगा रहे हैं तो वो डायरेक्टली पाइपलाइन पर हमारा लग जाएगा। फिर आ जाता है 13 नंबर पे केस मटेरियल। केस मटेरियल इसमें हमें SS304 दिया हुआ है। हम SS304 और SS316 में से जो भी कस्टमर को चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया हुआ है। तो इसमें कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो SS304 है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उसको देने में। अभी इधर इन्होंने कैलिब्रेटेड रेंज लिखी हुई है, मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जाएगी। जो हमारा स्पैन है वो 0 से 2.5 तक उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है। अगर हम देखें तो 0 टू 2.5 में ये हमारा जो ऑपरेटिंग प्रेशर है कम्प्लीटली उसमें कवर हो रहा है, उसमें 0.1 भी आ रहा है और 1.5 भी आ रहा है। तो ये हमारी एक जो रेंज सिलेक्शन की हुई है वो हम ये सोच सकते हैं कि ये ठीक है। और जहाँ तक डिज़ाइन प्रेशर का सवाल है, वो मैंने जैसे बताया कि सीरियल नंबर 40 में हमने गेज सेवर उसके लिए सिलेक्ट किया हुआ है। फिर उसके बाद जो हमारा आ जाता है कि हमारा डायल साइज़ क्या है। सीरियल नंबर 15 में हमने डायल साइज़ और डायल फिल लिक्विड लिखा हुआ है। इसमें इन्होंने 150 mm लिखा हुआ है, इसका मतलब हमारा चेंज का प्रेशर गेज है, या हम कहें 150 mm डायल साइज़ का प्रेशर गेज है, और उसको कोई केस के अंदर फिलिंग नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने डायल फिल फ्लूड में नॉट एप्लीकेबल NA लिखा हुआ है। फिर उसके बाद सीरियल नंबर 16 पे आ जाता है कि लेंस मटेरियल क्या है। लेंस मटेरियल में शटर प्रूफ लिखा हुआ है, इसका मतलब उनको शटर प्रूफ ग्लास हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जो डायल का कलर है वो वाइट बैकग्राउंड ब्लैक मार्किंग्स लिखा हुआ है, जो हमारा स्टैंडर्ड प्रेशर गेजेस के लिए एक डायल का कलर है। उसके बाद मूवमेंट का मटेरियल दिया हुआ है SS316। मैंने आपको बताया था कि या तो SS304 या SS316 या ब्रास, ये तीन यूज होते हैं। SS316 के SS316L के बोर्ड ऑन के लिए SS316 की मूवमेंट, SS304 की मूवमेंट, ये दो मूवमेंट्स हम यूज़ करते हैं। उसमें से कस्टमर जो है वो SS316 की मूवमेंट चाहता है, और जो सॉकेट का मटेरियल है वो SS316L मांग रहा है। नॉर्मली जो बोर्डन का मटेरियल होता है उसके हिसाब से ही हम सॉकेट का मटेरियल सिलेक्ट करते हैं, और वो ही इस डाटा शीट में कस्टमर ने किया हुआ है। अभी एनक्लोज़र क्लास है, जो मैंने बताया था कि जो हमारे डस्ट और वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम केस को प्रोटेक्शन देते हैं, उसमें IP55 से शुरू होती है, जो पहले चलती थी, आज की डेट में 65, 66, 67 और मैक्सिमम 68 तक हम जाते हैं। तो ये सबसे बेस्ट वाली जो है IP68, वो इनकी रिक्वायरमेंट है, जो देने में कुछ मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है रिंग कंस्ट्रक्शन, मतलब जो केस और ग्लास को होल्ड करने के लिए बेजल रिंग होती है उसकी बात हो रही है। तो ये बेयोनेट टाइप की बेजल रिंग है। नॉर्मली SS के केसेस में बेयोनेट टाइप की बेजल रिंग ही रहती है। जो पहले एल्युमिनियम के केस बनते थे उनमें थ्रेडेड टाइप की आती थी, लेकिन जो आजकल SS304 या SS316 के जो केस हैं उनमें बेयोनेट टाइप की ही फिटिंग रहती है बेजल की, तो वो भी कुछ इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और उसका मटेरियल भी
सेम होना चाहिए एज केस मटेरियल। तो अगर ये केस मटेरियल SS304 मांग रहा है और बेजल मटेरियल SS304 मांग रहा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये यहाँ पर बेजल रिंग SS316 मांगते तो हमें बाय डिफॉल्ट इनको केस भी SS316 का देना पड़ता। फिर माउंटिंग डायरेक्ट है, मतलब डायरेक्टली पाइपलाइन के ऊपर ये माउंट हो रहा है, पाइपलाइन पे सॉकेट प्रोवाइड करके उसके बाद ये गेज लगेगा। फिर 21st नंबर पे एक्यूरेसी आ गई जो ±1% है, स्टैंडर्ड है प्रेशर गेज में, बोर्ड ऑन सेंसिंग प्रेशर गेज की ये स्टैंडर्ड एक्यूरेसी है। फिर उसके बाद ब्लोआउट प्रोटेक्शन की बात आती है, उसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड नियोप्रिन एट बैक ऑफ द केस। मैंने आपको बताया था कि जो ब्लोआउट डिस्क है या ब्लोआउट प्रोटेक्शन है ये या तो बैक पे हो सकती है या टॉप पे हो सकती है या ब्लोबैक मॉडल में जिसमें बैक ब्लो करती है वो वाली हो सकती है। तो इनको इस डाटा शीट में जो रिक्वायरमेंट है वो नियोप्रिन की गास्केट बैक पे चाहिए जिसका साइज मिनिमम 25 mm रहता है, तो इनकी रिक्वायरमेंट उस तरह से है। फिर ओवरेंज प्रोटेक्शन इन्होंने दिया हुआ है, इन्हें 130% FSD चाहिए, मतलब जो भी हमारा स्पैन है उसका फुल स्केल जो डिफ्लेक्शन है, इस केस में हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है वो 2.5 है, तो 2.5 का 130% हमें यहाँ पर ओवरेंज प्रोटेक्शन देना है। नेक्स्ट जो आ जाता है वो एक्सटर्नल जीरो एडजस्टमेंट टाइप सीरियल नंबर, अगर 24 देखते हैं तो एक्सटर्नल जीरो एडजस्टमेंट टाइप एक्सटर्नल, इसका मतलब जो है ये माइक्रोमीटर पॉइंटर तो इनको चाहिए ही है, माइक्रोमीटर पॉइंटर तो इनको चाहिए ही है, या आप नहीं भी देते तो भी चलेगा, लेकिन जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो जीरो एडजस्टमेंट विदाउट ओपनिंग दी बेजल, उसके लिए मांग रहे हैं कि बाहरी, जैसे आप हमारी जो हम रिस्ट वॉच पहनते हैं उसमें बाहर एक नॉब लग रखी होती है, उस तरह से ये एक्सटर्नल जीरो एडजस्टमेंट टाइप में जो जीरो एडजस्टमेंट के लिए केस के बाहर ही एक नॉब देते हैं जिससे हम जीरो को एडजस्ट कर सकें। डाटा शीट का टॉपिक लॉन्ग होने की वजह से हम आज के वीडियो को यहीं पर ही रोक रहे हैं और इसके आगे के जो टॉपिक हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में लेकर आपके साथ फिर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मेरा प्रयास है डाटा शीट के इस पार्ट पे वो आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस डाटा शीट के बारे में अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकें। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लिंक्डइन पर भी आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे ईमेल आईडी पर आप ईमेल से कम्युनिकेट कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी हमारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, हमारे जो हम इंस्ट्रूमेंट में डील कर रहे हैं उनके बारे में जान सकते हैं, और हमारी वेबसाइट के थ्रू भी हमारे कॉन्टैक्ट अस में जाके वो फॉर्म फिल करके हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी हमें भेज सकते हैं। जल्द ही हम डाटा शीट के बैलेंस टॉपिक को लेके आपसे फिर मिलेंगे, तब तक वीडियोस देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।